जैसे तुम्हें पता चलता ना एक से ज्यादा डब्बे खुलने वाले वीडियो में, फटाफट से तुम देख रहे हो कि आज क्या क्या बढ़िया बढ़िया मसाला आया। तो आज हम 5 डब्बे अनबॉक्स करने वाले हैं और ये 5 ऐसे गैजेट्स हैं जो 1000 के अंडर आते हैं और आपके बहुत काम आ सकते हैं। कुछ कुछ चीजों के रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो अगर चेंज हो जाए तो भाई कुछ कहना मत। वैसे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, तो लेटेस्ट प्राइसेस आप वहां चेक कर लेना। तो पहला डिवाइस हमारा यहाँ पे मिनी न्यूमेरिक कीपैड, ये मैंने 570 रुपीज का परचेज किया था। एक निकलता हमारा ऐसा नमपैड, बाकी और डब्बे में कुछ नहीं है। बेसिक न्यूमेरिक कीज आपको इसके अंदर सारी मिल जाएंगी और यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन है और ये रिचार्जेबल नहीं है, इसके अंदर आपको सेल डालना पड़ेगा। और ये आपका वायरलेस रिसीवर है, तो कोई वायर का झंझट नहीं है, वायरलेसली आप कनेक्ट करो और अपना कहीं भी ऑन द गो यूज कर सकते हो। तो ये वाला नमपैड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काम आ सकता है जो मिनी साइज का कीबोर्ड रखते हैं अपने टेबल पे। तो नमपैड की रिक्वायरमेंट बहुत रेयर टाइम्स पे पड़ती है, जब आप कोई अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो, अपना कोई हिसाब किताब कर रहे हो, तो आप अपने पीसी या स्मार्टफोन के साथ इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिनी कीबोर्ड और माउस भी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। एक निकलती है आपकी डिवाइस, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक यूजर मैनुअल और एक चार्जिंग केबल। भाई ये वाली डिवाइस बहुत ही यूजफुल है। एक तो इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल गेमिंग टाइप का है, जैसे कोई गेम का रिमोट होता है। और इसके अंदर आपको सारे बटन मिल जाएंगे जो एक कीबोर्ड के अंदर होते हैं, नमपैड को छोड़ के। और यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के और एक्स्ट्रा बटन, और ये आपका माउस का ट्रैक पैड है जो आप यूज कर सकते हो। ये डिवाइस आपके पीसी में भी सपोर्ट कर जाती है, तो आप माउस भी यूज कर सकते हो और नॉर्मली टाइपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इवन ये डिवाइस आपके एंड्रॉइड टीवी पे भी सपोर्ट करते हैं, अगर आपका टीवी का रिमोट खो जाए तो आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। ये भी वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है, वायरलेस रिसीवर आपको इसके अंदर मिलेगा और एक बेसिक BL5C बैटरी है इसके अंदर। तो ये रिचार्जेबल डिवाइस है और एंड्रॉइड टीवी पे ये प्रॉपर माउस पैड और कीबोर्ड बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। और यहाँ पे मेन चीज के अंदर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बटन भी दे रखे हैं, और ये मैंने अपने एंड्रॉइड फोन में भी यूज करके देखा, उसके अंदर भी भाई प्रॉपरली चल रहा था। ऑब्वियसली बात है, जब एंड्रॉइड टीवी पे चलेगा तो स्मार्टफोन पे तो चली जाएगा, तो ये आपके काम आ सकता है। उसके बाद आता हमारा विप्रो स्मार्ट प्लग, एक यूजर मैनुअल, ये पढ़ लेना कैसे पेयर करना है, और एक ही हमारा प्लग। तो सच बताऊं तो प्लग की क्वालिटी बहुत सही है, प्लास्टिक बहुत बड़े तरीके से यूज किया हुआ है। और यहाँ पे एक आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको विप्रो स्मार्ट होम की ऐप मिलती है, उसके साथ इसको पेयर करना है। और पेयर करना बहुत ईजी, आप इसके यूजर मैनुअल में देखोगे आराम से पेयर कर लोगे। तो मैंने इसको अपनी ऐप से पेयर कर लिया है और मेरी जितनी भी LED लाइट्स हैं वो मैंने उसी प्लग में लगा रखी हैं, और वो मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। तो भाई ये बहुत ही कूल फीचर है, प्रॉपर वाईफाई से वर्क करते हैं वो, तो वाईफाई के थ्रू आप इसको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एलेक्सा या कोई गूगल डिवाइस है तो उनकी ऐप में भी जाके आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो मैंने इसको अपनी लिनोवो की क्लॉक से सेटअप कर लिया जो गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करती है। हे गूगल टर्न ऑफ LED लाइट्स, तो हमारी LED लाइट्स बंद हो चुकी है। हे गूगल टर्न ऑन LED लाइट्स, हमारी LED लाइट्स ऑन हो चुकी है। वैसे मैंने इस प्लग का नाम LED लाइट्स चेंज कर दिया था, अब इस प्लग का नाम चेंज कर सकते हो अपनी असिस्टेंट वाली एप्लीकेशन में जाके। तो उसको लाइट्स का नाम देना है, फैन का नाम देना है, जो भी प्लग आप इसके अंदर लगाओगे तो जो आप ऑर्डर दोगे गूगल या एलेक्सा को वो फटाफट से मान लेगी आपकी बात। उसके बाद आता हमारा एक गेमिंग कंसोल, ये हमारा छोटा सा कंसोल है, कोई निंटेंडो वगैरह का नहीं है। एक इसके अंदर निकलता आपका कंसोल, एक एक्स्ट्रा रिमोट आपको इसके अंदर मिलेगा, एक आपको ऑडियो वीडियो केबल मिलती है इसके साथ, और एक चार्जिंग केबल मिलेगी। और ये भी बेसिक BL5C बैटरी से चलता है, मैं इसको 15-20 दिन से यूज कर रहा हूँ। मैं बताऊँ स्पेसिफिकली इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है, आधा घंटा चलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक एक्स्ट्रा BL5C बैटरी ले लेना, मार्केट से मिल जाती है 100 रुपए में। और चार्जिंग पे लगा के आप इसको यूज नहीं कर सकते, चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं तो चलता ही नहीं है, मतलब कभी हैंग हो जाता है, कभी कुछ बटन अपने आप चलने लगते हैं। अब पता नहीं वो इसके साथ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, बट जो था मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर आपको 400 गेम्स मिलते हैं और ये प्रॉपर रेट्रो गेम वाली फीलिंग, रेट्रो गेम वाली आवाज। और वही है बचपन का सबसे बड़ा धोखा, कुछ टाइम बाद गेम्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। वो इसके अंदर 40-50 गेम है, उसके बाद वही रिपीट 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 होते रहते हैं। तो ये हमने मारियो चला दिया है यहाँ पे, और भाई 3 इंचेस का डिस्प्ले इसका, और एक्सपीरियंस काफी सही रहता है, मतलब आप आराम से खेल सकते हो। और कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि ये वाला रिमोट एज अ प्राइमरी रिमोट चल सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डबल प्लेयर गेम खेल रहे हो तो ही ये रिमोट काम आ पाएगा, वरना सिंगल प्लेयर गेम में आपको यही वाले बटन्स यूज करने पड़ेंगे, ये सिर्फ सेकंड प्लेयर के लिए यूज होगा। और जैसे कि इसके साथ AV केबल भी है, तो आप इसको टीवी पे भी यूज कर सकते हो, टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और बड़ी डिस्प्ले में आप गेम खेल सकते हो। बट एक छोटा सा ड्रॉबैक यही है कि इसकी तार बहुत छोटी है, तो ज्यादा दूर बैठ के नहीं खेल सकते, या तो सेम तार आपको मार्केट में ऑनलाइन कहीं मिल जाए, बट मुश्किल ऐसे इंटरफेस वाली तार आपको मिले। ये 3.5mm जैक भी नहीं है, ये कुछ अलग ही टाइप का जैक है, तो लंबी तार मिले तो दूर से खेल सकते हैं, वरना ये मुश्किल से आधे मीटर की तार भी नहीं है, सैड लाइफ। फिर आता हमारा केचोड़ा K66 प्लस, ये हमारा कीपैड फीचर फोन है, जैसे पुराने फोन्स वगैरह आते थे, बट इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। और बहुत लोग ये देखने के बाद बोलने वाले हैं कि टेक बंडर की वीडियो देख के मंगा लिया, तो जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा ना उनको पता होगा, लगभग 3 महीने पहले मैंने इसकी स्टोरी डाली थी। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो, इसकी स्टोरी हाईलाइट्स में ऐड ऑन कर दूंगा, तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। तो एक ही हमारा एक छोटा सा कार्ड है, और उस अगर कार्ड से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ही बड़ा है, बिल्कुल कार्ड टाइप का फोन है, और कितना पतला है, एक उंगली से भी आधा पतला है ये, मतलब जितनी मोटी मेरी उंगली है उसमें दो फोन आ जाएंगे। और भाई कैमरा भी है इसके अंदर, इसको ऑन कर लेते हैं। ओहो
फुल टुनटुन वाली रेट्रो फीलिंग। आप इसके अंदर दो सिम भी डाल सकते हो, एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, और हाँ हेडफोन जैक का कोई पोर्ट नहीं है इसके अंदर। और जो इसका स्पेशल फीचर है वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इसमें सिम नहीं डालने, तो ये कनेक्ट बटन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लूटूथ डायलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे नॉर्मली पेयर करते हैं वैसे अपने स्मार्टफोन के साथ इसको पेयर कर लेना। तो ब्लूटूथ डायलर का क्या सीन है, अब जैसे इसके अंदर हमने सिम नहीं डाले बट हमारे को स्टिल इसको फोन की तरह यूज करना है, अब जो भी कॉल मैं यहाँ से लगाऊंगा वो मेरे फोन से डायल होगी और डायरेक्टली मैं इससे बात भी कर सकता हूँ। जैसे हम कॉल लगाएंगे तो सिम नहीं है तो लोकल कॉल नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो बीटी कॉल दिखा रहा है। तो यहाँ से जैसे मैंने कॉल लगाई तो वो मेरे मेन फोन से डायल हो गया, और यहाँ देखो ब्लूटूथ का ऑप्शन है और आप सुन सकते हो इससे आवाज आ रही है। तो है ना कमाल का फोन। अगर आपको बड़ा फोन बार बार जेब से नहीं निकालना, छोटा सा फोन है तो फुल स्टाइल मार के आप कॉलिंग वॉलिंग कर सकते हो, कहीं आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो वहां जैसी जेब से निकाल लो, कहेंगे ओ भाई साहब इस जमाने में इतना छोटा फोन, फिर अपना बड़ा फोन निकाल के दिखा देना। तो बस यही था आज की वीडियो में, पांच बढ़िया गैजेट्स जो शायद आपके काम आएंगे। अगर इनमें से कोई भी बाय करने वाले हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इनमें से कोई आप यूज कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक मार देना वीडियो को, हम लाते रहेंगे ऐसी बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।